तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ पानी पूरी की खट्टी चटपटी पानी, जो कि मैं यहाँ पे ले ली हूँ इमली, जिसे मैं पहले से अच्छे से भिगो के रख लिया था और ये अच्छे से भीग चुका है देखे। तो इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी और इसका बीज और जितने भी रेसे हैं वो सबको मैं निकाल के अलग कर लूँगी। इमली का जो रेसे था और बीज था उसको मैं अलग करके रख दी हूँ। अब इसको मैं साइड कर देती हूँ। अब साथ ही साथ यहाँ पे मैं लूँगी हरी मिर्च, लहसुन एक इंच, अदरक का टुकड़ा और कुछ धनिया का हरा धनिया पत्ती। तो इन सबको मैं सिलबट्टे में अच्छे से पीस लूँगी। तो इसको मैं सिलबट्टे में सबको एक साथ डाल देती हूँ। सिलबट्टे में इसको पीसने से इसका स्वाद अलग ही आएगा देसी तरीका से। चाहे तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, बट मैं इसको सिलबट्टे में पीसूंगी। इस तरह से मैं इसको पीसते जाऊंगी। देखिए यहाँ पे पिसा हुआ चटनी रेडी है। अब मैं इसको इस इमली पानी में डाल दूंगी। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। आधी चम्मच नमक, अगर कम होगा तो हम बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हैं। अब इसमें मैं ठंडा पानी डालूंगी। इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए ये पूरी तरह से रेडी है। देखने में ही दिख रहा है ना कितना अच्छा बढ़िया, खाने में उतना ही अच्छा ही लगेगा। तो फ्रेंड्स रेडी है मेरा आज का गुपचुप पानी तीखा चटपटा। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।